गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लास्ट टर्म पे हमने डिमांड के बारे में चीज़ों को देखा था कि डिमांड हमारी क्या होती है और हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिमांड को समझाया था और ये भी बोला था कि नेक्स्ट टर्म पे हम फैक्टर्स को देखेंगे जो कि डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इंडिविजुअल डिमांड जो कमोडिटी होती है, किसी कोई भी कमोडिटी के इंडिविजुअल डिमांड को जो अफेक्ट करती हैं, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, किस किस चीज़ से उस पर फ़र्क पड़ता है, तो उसे आज हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी एंड डिमांड। Normally, demand for a commodity is more at a lower price and less at a higher price. For instance, my demand for oranges is just a half dozen of the rate of 50 rupees per dozen, but rises to one dozen when its price falls rupees 40 per dozen. We shall study in detail the relationship between quantity demanded of commodity and its price in the law of demand discussed. तो own price of commodity क्या होती है? जब किसी commodity का price low रहेगा तो उसकी demand higher हो जाएगी, और जब उस कमोडिटी का प्राइस हायर रहेगा तो उसकी डिमांड लो हो जाएगी। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, आप बनाना लेते हो, तो अगर 50 रुपीज़ डज़न वो बनाना है तो आप लोग उसकी डिमांड कम रखोगे, यानी कि आप लोग सिर्फ एक डज़न लोगे या फिर हाफ डज़न लोगे। बट अगर वही बनाना कम होकर आपका 30 रुपीज़ पर डज़न हो जाएगा तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। तो प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड हमारी, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ होती है। अगर प्राइस हमारा डिक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ होती है। तो प्राइस और प्राइस और आपके डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं 1/P इज इक्वल्स टू डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। माइंड फॉलोइंग डिटर्मिनेंट एंड कॉल्ड फैक्टर्स दैट अनदर देन प्राइस। तो इस जो हमने अभी ये देखा है तो उसको हम एक और चीज़ कहते हैं, जो हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं फैक्टर अदर देन द प्राइस। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज चेंज इन डिमांड फॉर अदर गुड। रिलेटेड गुड्स आर केप्ट इनटू टू कैटेगरी, नेमली सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो प्राइस रिलेटेड गुड क्या होता है कि जब एक का कोई भी दो कमोडिटी हमारी साथ में चलती हैं, ठीक है, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी साथ में वर्क करे, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो इस पर भी फ़र्क पड़ेगा, एक का प्राइस घटता है तो इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। डिमांड अगर बढ़ती है तो ए की डिमांड बढ़ती है तो बी पर भी फ़र्क पड़ेगा, अगर बी की डिमांड बढ़ती है तो ए पर भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जब एक किसी कमोडिटी में कोई चेंजेस आते हैं, डिमांड में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है, तो उसका फ़र्क हमारी जब दूसरी कमोडिटी पर पड़ता है तो उसको हम लोग रिलेटेड गुड कहते हैं, यानी कि एक का असर जब दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो जो हमारे रिलेटेड गुड होते हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, और सेकेंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। सब्स्टिट्यूट गुड आर अ पेयर ऑफ गुड विच कैन बी यूज्ड सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई अ वांट। दे आर कॉम्पिटिटिव गुड्स विच कैन सेटिस्फाई अ गिवन वांट विथ इक्वल ईज। एग्जाम्पल, शुगर एंड गुड, पेप्सी एंड कोला, टी एंड कॉफ़ी। तो
तो आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, जब एक का प्राइस बढ़ने पर दूसरे को हम लोग यूज़ करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका एक की जगह पे हम लोग दूसरी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग नाम से कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। एक्स की जगह हम जब वाई को रख दिए या वाई की जगह हमने एक्स को रख दिया तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट, एक जगह एक की जगह पे दूसरी कमोडिटी का यूज़ करना। एग्जांपल में आप देख लीजिए, जब आपके टी का जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो आप लोग कॉफ़ी को लेना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो टी एंड कॉफ़ी में सब्स्टिट्यूशन है, तो टी और कॉफ़ी को हमने इक्विवेलेंट रखा है। अगर कोला का प्राइस बढ़ जाता है तो आप लोग पेप्सी लेना स्टार्ट कर देते हो। अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया तो आप लोग गुड़ लेना स्टार्ट कर देते हो। अगर प्राइस भी नहीं बढ़ा है विद ड्यू रीज़न, जैसे ठंड आ जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, गुड़ की यूसेज आप लोग बढ़ा देते हो। तो हमने इसके जो आपका गुड़ था उसकी जगह, सॉरी चीनी थी जो आपकी शुगर थी उसकी जगह पर हमने गुड़ लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत गर्मी आ जाती है तो आप लोग टी के जगह पे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे भी हमारा सब्स्टिट्यूशन देखा जा रहा है कि जब एक की जगह पर हम दूसरी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज अफेक्टेड इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट फॉल्स और राइजेस। फॉर इंस्टेंस, डिमांड फॉर अ कॉफ़ी विल बी रिड्यूस्ड इफ इट्स प्राइस ऑफ इट्स If price of its substitute, say tea, falls, because then coffee becomes relatively expensive. Thus, a fall in the price of substitute good reduces the consumer's demand for a given good. ठीक है, यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि अगर टी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा घट बढ़ जाता है तो आप लोग कॉफ़ी को लेना स्टार्ट कर देते हो, और जब टी का प्राइस फिर से फॉल होना स्टार्ट करता है तो आप लोग फिर से कॉफ़ी को छोड़ के फिर से वापस टी पर आ जाते हो। तो यहाँ पे हमारी कई चीज़ें मैटर करती हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड जो भी है वो चेंज होती रहती है, सब्स्टिट्यूट की तरफ अपना कदम बढ़ाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर अ पेयर ऑफ गुड्स विच आर यूज जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ वांट। इन अदर वर्ड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन द सेंस दैट दे कंप्लीट द डिफिशियंसीज ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जब दो गुड्स हमारे साथ में चलते हैं, एक के बिना दूसरे की हमारी जो डिमांड है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका दो गुड साथ में चल रहे हैं तो उसमें प्राइस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आपका पेन और रिफ़िल ये साथ में चलती है। अगर आपका रिफ़िल है पेन नहीं है तो काम नहीं चल सकता, अगर आपकी रिफ़िल है पेन नहीं है तो भी काम नहीं चल सकता, यानी कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर चाहे प्राइस आपका बढ़ता है या फिर प्राइस घटता है, इसका कोई भी फ़र्क हमारी कमोडिटी पर नहीं चलता। यहाँ पे हमें जॉइंट यूज़ करना रहता है, दो कमोडिटी का जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे आपका हो गया बाइक एंड पेट्रोल, देखिए For instance, car and petrol, fountain pen and ink, tonga and horse, etc. A fall in the price of one commodity leads to rise in the demand for the other commodity as well. For example, if price of petrol falls, its demand will be turn will increase demand for commodity good car. Thus, a fall in price of one complementary good increase the demand of other complementary good, that is inverse relationship. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड को देखते हैं जब दो गुड्स हमारे साथ में चलते हैं। अगर हमारी कार का प्राइस बढ़ पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है
हाँ, तो पेट्रोल हम बिना बाइक के नहीं चला सकती, तो ये दोनों हमारी साथ में चलती हैं, तो इसके जगह पे हम लोग कार को लेना या फिर बुलक कार टोंगा को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती हैं जो कि इन्वर्स रिलेशनशिप के साथ चलती है। अगर डिमांड एक कमोडिटी का एक कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ गई है तो उसका फ़र्क हमारे दूसरी कमोडिटी पर पड़ेगा और उसकी डिमांड हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ फैक्टर्स ऑफ डिमांड को देखा है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।